संचारी रोग नियंत्रण अभियान के शुभारंभ पर मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने प्रभारी जिलाधिकारी एसडीएम सदर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपर निदेशक स्वास्थ्य एवं अध्यक्ष नगर पंचायत सभासद ग्राम प्रधान आशा एएनएम आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के साथ पिपराइच एवं भटहट के ग्राम प्रधान आशा एएनएम आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के साथ बैठक करते हुए कहा कि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जांच करते हुए संक्रमितों की पहचान करते हुए उनको समय से उपचार करना होगा। मंडलायुक्त ने कहा कि हम सबको मिलकर कोविड 19 से बचाव के लिए कार्य करना है। मंडलायुक्त ने कहा कि निगरानी समिति को और सक्रिय होकर कार्य करना होगा। प्रधान सभासद की निगरानी समिति को अपना सहयोग दें। किसी भी दशा में बुजुर्ग कमजोर स्वास्थ्य वाले व्यक्तियों को होम आइसोलेशन में न रहने दें। उन्होंने कहा कि हमें लोगों का मास्क के प्रयोग दो गज की दूरी का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक करना होगा। हम टीम वर्क के रूप में कार्य करके और बेहतर परिणाम दे सकते हैं। बिना जन सहभागिता के हम कोरोना की इस लड़ाई को जीत नहीं सकते हैं। हम सभी को मिलकर लोगों को जीवन की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि आज से प्रारंभ हुए संचारी रोग व दस्तक अभियान में भी हमें डोर टू डोर सर्वे करके कोरोना के संदिग्धों सारी ILI के मरीजों की पहचान करने के साथ लोगों का जागरूक करना होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SDM सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा कोई हाथ नहीं मिला रहा, ये दो चीजें तो पक्की हो गई। लेकिन मास्क नहीं पहन रहा है, ये अभी भी दिखने में आता है। तो हम सब की जिम्मेवारी है हम टोके, पुलिस आएगी फाइन करेगी ऐसा नहीं है। हम सब की जिम्मेदारी है हम उसको टोके। और हम मास्क को कैसे पहन रहे हैं, कैसे उतार रहे हैं, कहाँ फेंक रहे हैं, ये सबकी ट्रेनिंग हो चुकी है, अब सबको पता भी है। हमें उसमें भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। और हम डिस्टेंस हर जगह मेंटेन रखें। हम कैसे जानें कि अमुक व्यक्ति में कोरोना के कीटाणु गए हैं कि नहीं? एकमात्र साधन है टेस्टिंग। टेस्ट करके हम जान लेते हैं। और टेस्ट अब बहुत ही आसान तरीका एक आ गया है। जरा सा आपके नाक की लार लेते हैं और स्लाइड पे रखते हैं। अगर आपके अंदर कोरोना गया है वो पॉजिटिव तुरंत बताता है 10 मिनट्स में, और अगर नहीं है तो नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब ये नहीं, दिसंबर 19 से शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है, उसमें हम लोग आपके भी विचार जानना चाहेंगे और हम लोग क्या कर रहे हैं ये बताना भी चाहेंगे। और आयुक्त आशा जो बहन हमारे सामने उपस्थित थी, उन्होंने अपने ऑनरेडियम की समस्या कही और मैं आपको बता दूं हम सभी आपको समर्थन करते हैं, लेकिन प्रत्येक वस्तु नीति और नियम की सीमा के अंतर्गत होती है और ये शासन के आदेशों के अंतर्गत होती है। यहाँ पर इस समय मंच पर 3 IAS अधिकारी उपस्थित हैं। अब IAS ऑफिसर्स का इस अगले 1.25 साल तक जो आपका DA होता है, महंगाई भत्ता होता है, वो रोक दिया गया। ये शासन का निर्देश है, हम उसको मानते हैं। और जितनी मेहनत से हम काम कर सकते हैं, जितने दम से काम कर सकते हैं, हम वो करने का प्रयास करते हैं। आज संचारी रोग दस्तक अभियान की माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शुरुआत की हुई है। आज हम खुद कमिश्नर सर और CDO सर के साथ भटहट ब्लॉक एवं पिपराइज ब्लॉक में वहाँ के गाँव प्रधान, आशा, आंगनवाड़ी, ANM, MOIC और स्वास्थ्य विभाग की अन्य लोगों के साथ बैठक की, वार्ता की, उन लोगों के सुझाव उनको दिए और उनके फीडबैक लिया। और इस दस्तक अभियान के साथ साथ गांव एवं नगर पंचायत क्षेत्र में कोविड के चलते जो संक्रमण हो रहा है उसको नियंत्रण करने के लिए भी प्रभावी उपाय दिए। कमिश्नर सर ने विस्तृत रूप से बातें की, बताया कि कोविड 19 के लिए शासन स्तर से बहुत गहरी निगरानी की जा रही है। ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे आप सब लोगों का सहयोग अपेक्षित है। इस संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए आप सभी लोगों की सहयोग की आवश्यकता है। कमिश्नर सर ने काफ़ी देर तक वार्ता की सभी प्रधानों के साथ, सभी ब्लॉक प्रमुख थे, नगर पंचायत चेयरमैन थे, और इसको बताया भी, इसकी महत्वता को भी बताया संचारी रोग दस्तक अभियान के साथ साथ।